जैसे अगर आपके सामने अल्कोहल होगा तो वो ROH होगा, ठीक है। अगर जैसे हम लोग पीछे से देखते हुए चले जाते ताकि कि जो है फटाफट से हम लोग इसको करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। अगर आपके पास अल्कोहल होगा तो ROH होगा, अल्डिहाइड होगा RCOH होगा। हम एक एक करके सबका जरूर पढ़ेंगे। कीटोन होगा तो RC डबल बॉन्ड O। जब आगे आएगा तो वहां पे आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फिलहाल आप लोग ये जो टेबल है ना, इस टेबल से आपको क्या करना है, पहचानना है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो RC डबल बॉन्ड OH, ईस्टर है तो RC डबल बॉन्ड OR, अमाइड है तो RC डबल बॉन्ड ONH, या R अमाइन है तो इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पहचान में आनी चाहिए। नाइट्राइल है तो RC NNN हो जाएगा, थायोल होगा तो RSH होगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ROS से किया जाता है, ठीक है। और इसके लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑल जो है ऐड कर देंगे। याद रखना कि यहां से हमने OL उठाया तो यहां पे क्या कर दिया, इसको लिख दिया। बस आपको पहचानना है कि जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, ROH होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला है कि CH3OH, तो इसमें कितने कार्बन है, एक वन। तो वन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, क्योंकि हम जो है वन कार्बन के लिए मिथ कहते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि मिथनॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जो है क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिथनल। तो अब यहाँ पे ये जो मिथनल है, उसी तरीके से मैं कहूँ CH3CH2OH, जस्ट वन मिनट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल इथेनॉल कह दे। इथेनॉल। अगर मैं कहूँ CH3CH2CH2OH, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं भी आपको दिख जाए ROH, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, OL ऐड कर देते हैं। E को हटा के OL डाल देंगे। इथेन है, मिथेन है, तो E हटाए OL, इसलिए डालते हैं क्योंकि दो बॉबल जो है साथ में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते चले जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखते चले जाएंगे। बस आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता लगेगा तो आप कैसे पता कर पाओगे। अच्छा, ये जो वाइन में यूज किया जाता है ना, ये किया जाता है पीने के लिए, जो योग्य होता है वो यही इथेनॉल होता है। कई बार सुने होंगे कि मिथेनॉल को पीने से कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो इस मिथेनॉल को डी नर्चर किया जाता है। डी नर्चर का मतलब क्या होता है कि क्योंकि मिथेनॉल भी एक तरह से अल्कोहल है, अब कंपनी में जो लेबर लोग होते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, मिथेनॉल है कि इथेनॉल है, स्मेल सेम, कलर सेम, कहता है कि ये भी अल्कोहल है, पी जाता है तो ऊपर जाके कहता है कि नीचे से तो नीचे में है या ऊपर में, कहता है सेम ही जगह है, लगता है ज्यादा पी लिया। तो इस तरह से केस आ जाता है। तो जैसे कई सब जगह सुने होंगे कि इतने वर्कर ने जो है मिथेनॉल पी लिया, और से जो है उनकी क्या होगी, डेथ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि मिथेनॉल एम है, पीने से मर जाते हैं, इथेनॉल पीने से जो एकदम क्या करता है, इंजॉय करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो है नाम हो गया। अब हम लोग जो है इसकी नॉमिनिक्लेचर के बारे में बात करते कि कैसे कैसे इसका नॉमिनिक्लेचर करेंगे। यहां से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास अब जो है ना, सबसे ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना भूल गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को निर्धारित करते हैं। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप लोग डॉक्टर बन गए, तो आपका जो DR है,
इतना आसानी से डीआर मिलता नहीं है, कि जब किसी के आगे लग जाएगा तो आपको एक स्पेशल बना देगा। आपके गांव में भले 10,000 लोग होंगे, या आपके गांव में कम से कम 300 लोग होंगे, या आपके डिस्ट्रिक्ट में 400 लोग होंगे, ऐसा तो मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे ख्याल से मान लो कि मैंने कहा कि 50,000 एक एग्जाम्पल के, उसमें से डॉक्टर कितने हैं, 3 या 4। तो ये जो 3 और 4 जो है स्पेसिफाई किसने किया, इस डीआर ने किया। तो उसी तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को इनहांस कर देते हैं। अभी सब आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट हो, अब आप लोगों में से कई सारे डॉक्टर बन जाएंगे। अभी आप लोग मुझे सर कहते हो, फिर मैं आपको सर कहूंगा कि सर एक सुई लगा दीजिए, तो आप लोग जो है तब सुई लगाओगे, कहोगे सर 400 रुपये फीस निकालिए। तो इस प्रकार से तो ये जो प्रॉपर्टीज आएगी, ये कैसे आ रही है, फंक्शनल ग्रुप के थ्रू आ रही है। तो वही कहता है फंक्शनल ग्रुप जो है डिसाइड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इन सभी चीजों के बारे में जो बताता है उसको हम लोग कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का, और लास्ट में किसका होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग करें। तो अब ये जो ना फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। जब लास्ट आपकी ट्यूसडे की क्लास होगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे जब एक से ज्यादा फंक्शनल आ जाए, डॉन का भी डॉन। अब डॉक्टर में भी क्या होगा, सुपर स्पेशलिस्ट होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा, कोई जो है ट्रेनर होगा, कोई जो है नया न्यू ज्वाइन किया हुआ होगा, इस तरह से वगैरह वगैरह जो है होते हैं। तो उसी तरीके से हम आगे बात करेंगे किसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, अपने गांव के आसपास के डॉक्टर को ले रहे हैं और उनमें बता रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा बेस्ट है, यही फंक्शनल ग्रुप है। जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो तो वो डॉन होगा, उसके अलावा कोई भी। और दूसरी बात, जब एक डॉन आ जाएगा तो बाकी सभी जो है क्या होंगे, क्योंकि डॉन एक ही हो सकता है, कभी भी देखना चाहे तो अगर जब दो डॉन होने लगता है तो उसमें मार हो जाता है, तो एक डॉन को जो है क्या करना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पोजीशन को या तो आप सैक्रिफाइस कर दो या तो फिर जो है ऊपर चले जाओ। तो उसी तरीके से ये जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, ये डॉन की तरह बिहेव करेंगे, कहेगा पूरे कंपाउंड में कोई एक ही डॉन हो सकता है और जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसी को हम लोग जो है डॉन मानेंगे और उसी के अनुसार से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग जो करेंगे 1, 2, 3, हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे ताकि किसको, लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। ठीक है, तो अब देखिए क्या नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया, 2-मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉप। हाँ, प्रॉप। और किस पोजीशन पे आल है, प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका जो है राइट नेम हो जाएगा। बोलिए ठीक है, क्लियर है, यस सर। अब मुझे बताइए कि इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड साइड से या इधर साइड से, राइट हैंड साइड से। वेरी गुड, राइट हैंड साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट। और कितने पे इन है, 3 पे इन है। और देखिए कभी भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकता, तो इसीलिए ई हटा के हमने क्या कर दिया, जो है इस प्रकार से पेंट 3-in-2-all जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे ई एन ई मत लिखिएगा क्योंकि दो वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, बोले क्लियर हुआ, यस सर। चलिए नेक्स्ट का नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-diol। इथेन 1,2-diol 1,2-diol हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-hexyl फिनोल, साइक्लोहेक्सेनॉल। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, साइक्लो 1 पे ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हेक्सेनॉल। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
हेक्स साइक्लो हेक्स हेक्स टू इन ओल. वेरी गुड. यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, टू पे इन और वन पे क्या हो जाएगा ऑल. तो यानी कि आप चाहो तो इनॉल भी लिख सकते थे आप इस प्रकार से, साइक्लो हेक्स टू इनॉल. हमने स्पेसिफाई कर दिया ताकि कि हमें ही समझ में आ जाए. यहाँ पे टू पे इन है और ऑल जो है वन पोजीशन पे, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नॉमिनक्लेचर हो जाएगा. ओके अब देखिए इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, OH से कि CL से? OH. वेरी गुड. तो यहाँ पे ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप जितने मैंने अभी टेबल दिखाए, ये जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, यानी कि डॉन की तरफ बिहेव करते हैं. और जब डॉन देखिए दो है तो उसमें से एक ही होगा, तो इसी के अनुसार से लिखेंगे. कभी भी डबल बॉन्ड को ऐसा मत कीजिएगा कि एक दो तीन आधा मत कीजिएगा, पूरा लीजिएगा. और उसमें भी छोटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे जो है यूज करेंगे. तो थ्री साइक्लो सॉरी क्लोरो थ्री क्लोरो साइक्लो ब्यूट ब्यूट और किस किस पोजीशन पे है, वन को वन थ्री डाई इन और वन ऑल हो जाए. ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ? यस सर. आप लोगों को यस सर. ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना? नो सर. नो सर. अच्छा आप मुझे बताइए रिंग की प्रियोरिटी ज्यादा होगी कि ओपन चेन की? ओपन चेन. अच्छा क्यों, मैंने आपको पहले बताया था ना कि भाई जिसमें ज्यादा होगा रिंग में तो उसको लेना है सर. फंक्शनल ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपको चेन की प्रियोरिटी दूसरे वाले को नहीं ध्यान देना है. कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये जो साइक्लो प्रोपेन है इसकी प्रियोरिटी क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसके साथ क्या है. अब मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ. एक साइड है 10 गुंडे और एक साइड है एक आर्मी का कमांडो, किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी? आर्मी. आर्मी कमांडो. तो उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप है, जिधर साइड आ जाएगा उसका पलड़ा एकदम भारी कर देगा. उसके बाद तुम्हें नहीं सोचना कि कार्बन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, भले कुछ भी हो भाई जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो जो है पावरफुल है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करने के दो चांस है, एक दो. किधर से नंबरिंग करेंगे बताइए, क्या मैंने सही किया या गलत किया? गलत सर. गलत सर. तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए टू, तो टू पे मैं इधर लिख दूं टू साइक्लो प्रोपाइल इथेनॉल और इथेनॉल. इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं. अब मान लीजिए कि ये कंपाउंड आ गया, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? कहोगे सर इसकी नंबरिंग तो मुझे पता है, फंक्शनल ग्रुप आ गया, डॉन आ गया, डॉन से हम लोग जो शुरुआत करेंगे. अब आप लोग इसको कह सकते हो, अच्छा आदमी भी कह सकते हो. ठीक है, और यहां पर देखिए वन है ये टू है, तो टू पोजिशन पे क्या है, वन दो कार्बन है इथ और डबल बॉन्ड वन पे तो इथिनल. बोलिए ऐसा लिख सकते हैं? किसी को कोई आपत्ति? नो सर. ठीक है, साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल प्रोप और जो है एन है तो यहाँ पे वन ऑल है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इस बार. इस बार क्या है, ये मेन चेन है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टू इथिनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा. अब मान लीजिए कि इस टाइप से आपके पास कोई कंपाउंड दिया रहे, मुझे बताइए किसकी इस वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या इस वाले की? सर नीचे वाले की सर. नीचे क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. भाई इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसकी नंबरिंग सब्सटिट्यूएंट है वन टू थ्री, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वन साइक्लो प्रोप और टू पे है तो टू इनाइल लिख देंगे। बोलिए आप तक समझ में आ गया? तो इनाइल क्यों लिखेंगे? ये सब्सटिट्यूएंट है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन, और जो अल्काइल ग्रुप होता है तो वाई ऐड करते हैं, जैसे प्रोपेनाइल इथेनॉल जो है ब्यूटाइल, इस तरह से यूज करते थे कि नहीं करते थे? सब्सटिट्यूएंट यानी कि अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग वाई अल्का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जब आपके पास मान लो सी एच फोर है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो सी एच थ्री, यानी कि ये जो है किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, सी एच थ्री सी टू एच फाइव, इस तरह से जो कंपाउंड जुड़े रहते हैं इनको अल्काइल कह देते हैं, या किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल कह देंगे, ठीक है? ओके, अब ये इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अल्केन नहीं, अल्कीन अल्काइन में भी होते हैं, तो वहां से भी निकालोगे तो भी वो अल्काइल कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने जो लिख दिया ये वाला तो खत्म हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, साइक्लो एक्स, और क्या हो जाएगा साइक्लो एक्स के बाद टू इनोल, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है, टू इनोल टू इन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इन हो गया वन ओल, हाँ, और कितने पे है, वन पे ही है तो वन ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, वन साइक्लोप्रोप टू इनाइल साइक्लो हेक्स टू इन वन ऑल हो जाएगा। बोले क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। यस सर। चलिए अब आप लोग इसका नाम बताइए क्या होगा, बोलिए वरुण। अच्छा वरुण, मुझे बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? सर लेफ्ट। ओके वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या नाम लिखेंगे सर? फाइव साइक्लो प्रोफाइल हेक्स टू इन थ्री ऑल। वेरी गुड, बहुत सही। क्या कोई और बताएंगे, क्या सही लिखा कि नहीं लिखा है? सही है सर। वेरी गुड, तो इसका नाम तो हो जाएगा फाइव साइक्लो, अक्षरा फाइव साइक्लो क्या लिखेंगे है या नहीं, अक्षरा फाइव साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बताइए? क्या नाम लिखे हैं अक्षरा, फाइव साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है? क्या हो जाएगा, फाइव साइक्लोप्रोपाइल और कितने कार्बन है, सिक्स, सिक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स, और टू पे इन है और थ्री पे क्या है, ऑल है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फाइव साइक्लोप्रोपाइल हेक्स टू इन थ्री ऑल जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, फटाफट से सभी लोग नाम लिखें। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिप्लाई करती है जो जो, इसीलिए जिनका जो जो रिप्लाई करते हैं उन्हीं का नाम हमें याद रहता है ज्यादातर, जब चैट बॉक्स देखते हैं तब फिर बाकी। ओके ठीक है, अंशिका बताइए, महक, पुनीत, आज पुनीत जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या नाम लिखे, मैं लिख दू क्या? लिख रहे हैं सर, थ्री इथेनॉल सर, फाइव
कोमा फाइव मिथाइल इसको ना मिथिलीडीन लिख लो, सल्फोल। इसको थोड़ा सा ना नया नाम से लिखते हैं, इसको मिथिलीडीन ज्यादा फेमस है। ओके सर। इसको मिथिलीडीन कह देते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो सही है। ओके पुनीत, क्या नाम लिखे? अच्छा फाइव मुझे लेफ्ट बताइए, अच्छा पुनीत मुझे बताइए कि वन के बाद इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? साइड। इधर साइड। टू? यस सर। नहीं, इधर साइड चलोगे तो आपको एम मिलेगा, इधर साइड चलोगे तो आपको ई मिलेगा, इधर साइड चलोगे मंकी मिलेगा, इधर साइड चलोगे तो एलिफेंट मिलेगा। हम लोग एलिफेंट साइड जाना पसंद करेंगे, बड़ा जानवर देखने में मजा आता है, मंकी तो घर में भी देख लेते, ठीक है मजा कर। ओके अब यहाँ पे क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए इस साइड जाते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? थ्री इथ, और यहाँ पे किस पोजीशन पे? वन पे इथिनाइल, ठीक है क्योंकि इन डबल बॉन्ड है तो वन पोजीशन पे ही, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। थ्री इथिनाइल और फाइव मिथिलीडीन। कोई सर मिथिलीन भी लिख सकते थे क्या? हाँ लिख सकते थे मिथिनाइल, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं मिथिला मिथिला मिथ मिथिलीडीन, ठीक है। सर इसी में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप में ओनली। जब आपके पास डबल बॉन्ड अगर एक ही कार्बन हो बस, बाकी सभी जगह जैसे लिखते वैसे ही लिखें। अब ये हो गया साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हेक्स नॉल हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया जो है थ्री इथिनल फाइव मिथिलीडीन साइक्लो हेक्स नॉल हो जाएगा। अब इसका नाम बताइए क्या होगा? सर सेम ही तो सर पिछले वाला, पीछे वाला आ गया सर, वही है सर पिछले वाला आ गया सर, ये जो आपने अभी करवाया था ये वाला सेम है। चलिए चेंज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कर दें क्या? ये लीजिए। नो सर अब तो सेम नहीं है। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिए तो मैं ही बना देता हूं, आप लोग ये वाले जो है बनाइएगा। तो इसमें अल्कोहल यहां पे है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे वन टू, तो हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं सबसे पहले फोर पे आ रहा है ब्रोमीन, तो फोर ब्रोमीन फोर ब्रोमो। अब ये है फाइव पे साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल एम एन ओ पी, पहले एम आता है तो कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए टू, और क्या हो जाएगा वन मिथाइल इथाइल, कॉम्प्लेक्स वन खत्म कहानी। अब हमारे पास क्या आ गया साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, छह कार्बन है, छह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हैक्स, और कितने पे डबल बॉन्ड है टू पे इन और थ्री पे ऑल, सॉरी टू पे ही ऑल है, सॉरी टू ऑल सर थ्री पे, इस प्रकार थ्री पे थ्री पे थ्री पे सर, पहले से लिखे देखिए पहले से ही थ्री ऑल, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे इसका नाम लिख लेंगे। बोले क्लियर है? ओके अब आप लोग इसका नाम बताइए क्या होगा सर? वन साइड साइक्लो हैक्स इन अल्कोहल एन एल टू ओल। ओके मुझे बताइए इस बार अंशिका दिव्यांशु हिम्मत सिंह, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, और इसे पूछे अक्षरा, इनमें से कोई बताएंगे?
अच्छा मुझे बताएं कि इस बार जो, हाँ जी कौन बता रहे थे? हिम्मत सिंह। यस सर, बोला था कुछ सर। अच्छा हाँ बताइए क्या बता रहे बना थे? रहा अच्छा हूँ। बना रहे हैं, बनाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। किसी का बन गया तो बता दें, अभिषेक बता यस दीजिए। सर। सर वन साइक्लो हैक्स इन अल प्रोप एन टू ऑल। अच्छा इधर से क्यों नहीं नंबरिंग किए, 1 2 3, इधर से 2 तो आ रहा है। थ्री ओल सर यहाँ से सर बेंजीनिंग पास में सर। अच्छा तो इधर साइड से इसको अल्कोहल को तो 2 ही मिल रहा है, इधर से कीजिए चाहे इधर से, क्या यस सर, फर्क पड़ रहा है? दोनों तरफ से सर 2 पे ही आ रहा है तो फिर इधर से सम। क्यों नहीं किए? हाँ सर यहाँ से बेंजीन रिंग सर 1 पे आ रही है ना सर, अपन पोजीशन ऐसा पे। कह सकते हैं कि सर इधर से सबस्टूएंट भी नजदीक पड़ रहा है, जबकि इधर से करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, सबस्टूएंट दूर चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन भले कम है लेकिन प्रियोरिटी ज्यादा है, क्योंकि डाउन आएगा तो बाकी जनता भीड़ जो है कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से तो इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन वन पे वन साइक्लो एन टू ओ साइक्लो, हेक्स इन अल। हाँ हैक्स वन ही पे है, वन पे है हैक्स इनाइल। ठीक है, और प्रोपेन हाँ प्रोप प्रोपेन टू ओल प्रोप टू एन प्रोपेन टू ओल है सर। प्रोप एन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जो है आ रहा है, इसका नाम बताइए, मुझे बताइए कि 3 वाले रिंग की प्रियोरिटी ज्यादा होगी या 5 वाले की? वेरी 3 वाले के सर, 3 वाले गुड, के। क्योंकि इसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ आ जाएगा, भले छोटा हो नाटा हो लेकिन डॉक्टर होगा तो उसकी रिस्पेक्ट जो है बराबर होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि हम उसके कद काठी से नहीं, उसकी क्वालिटी से हम बात कर रहे हैं। चलिए मैं बनाऊं, क्या आप बना रहे हैं? 1 साइक्लो वन पेंटाइक्लो साइक्लो एन प्रोप साइक्लो प्रोप। वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन साइक्लो पेंटाइल साइक्लो प्रोपेन साइक्लो, प्रोप हाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप वन एन ऑल हो जाएगा, वन पे ही है तो इसीलिए जो हमने प्रोपेन ऑल लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस बार नंबरिंग किधर से करें बताइए। राइट हैंड साइड राइट सर। हैंड साइड से। यस राइट हैंड साइड से क्या यस इधर से सर। नहीं कर सकते, क्यों? नो सर, सही से ही करेंगे, ये सर यही इधर से से ही करेंगे करेंगे सर, सर, बस से करेंगे सर। हाँ इधर साइड से ही करेंगे, इधर साइड से भी 2 पे आ रहा है। इधर से कोई ये नहीं करना कि सर ये वाला कार्बन को 1 क्यों नहीं लिए, ये कार्बन इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके तो क्या हो जाएगा, वन साइक्लो पेंटेन टू पेंट। पैंट, अब यहां पे देखिए वन और टू, टू पे है पैंट, टू इन टू इन इनाइल हो जाएगा। प्रोप ठीक है, टू इन हाँ वेरी गुड, ऑल प्रॉप टू टू ऑल प्रोपेन टू ऑल वाला सर, प्रोपेन टू प्रॉप एन टू ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लियर हो जाएगा। अब इसका नाम बताइए, सर लास्ट में जुड़ा हुआ सर ये के साथ सर हाँ ये जुड़ा हुआ है। मुझे बताइए किधर से नंबरिंग करना सही रहेगा। राइट साइड राइट हैंड साइड से। वेरी गुड, इस बार फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 पे, इधर से चलते तो 4 पे आता, तो इसीलिए ये तरीका जो है बिल्कुल सही है नॉमिनिक्लेचर का। ओके
अब देखिए पेंटाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्यूटाइल। वन साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, वन साइक्लो क्या हो गया? ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद प्रोपाइल आएगा कि पेंटाइल आएगा? पेंटाइल आएगा, फाइव पेंटाइल और फोर, अरे सॉरी साइक्लो तो छूट गया, साइक्लो पेंटाइल, ठीक है, साइक्लो पेंटाइल और फोर साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, और कितना हो गया? छह कार्बन हैक्स एन टू ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम निकलेचर लिख सकते हैं। पता है इसका नाम क्या होगा? ट्रॉप वन टू थ्री ट्रायोल, ट्रायोल, वेरी गुड, वन टू थ्री एंड जो इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्रोपेन, वन कोमा टू कोमा थ्री ट्राई ओल, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच से, ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे आर सी ओ एच, कहीं आपको ऐसा भी दिखे तो भी जो है वही चीज होता है। लेकिन जनरली याद रखना कि जो कार्बन वाला होगा वो उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, क्योंकि सर अल्कोहल में भी OH था, अल्कोहल में कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, जबकि अल्डिहाइड में किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। अल्डिहाइड अल्कोहल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ओके, कि अल्कोहल में लास्ट में ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जबकि अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है, ओके। ये जो है ना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके कार्बन को आपको काउंट करना है। ऐसा नहीं कि सर हमें इस वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंट करना है कि नहीं, करना है। जहां टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दिख जाए वहां पे उस कार्बन को भी हमें काउंट करना है। कई बार हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए, सर ये वाला सी डबल बॉन्ड OH को काउंट करना है क्या? जहां अगर टर्मिनल कार्बन हो जाए तो उसको भी हमें क्या करना है? काउंट करना है। और लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में क्या ऐड कर देना है? अल ऐड कर देना है, क्योंकि अल्डिहाइड अल है तो इसीलिए जो है अल को हमें ऐड कर देना है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C2H5OH और C2H4OH, बताइए कौन फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड है, कौन जो है अल्कोहल है? फर्स्ट वाला अल्कोहल है, सेकंड वाला एल्डिहाइड है। अगर लास्ट में तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको बॉन्ड बना के देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ बनाते थे यानी कि पांच कार्बन चाहिए, तो ये गलत है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा सी ओ एच, देखिए अब छह हो गए, तीन दो पांच, यानी कि जो है ये अल्कोहल। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड के साथ होता है और इसके अंदर जो होता है क्या होता है, सॉरी अल्कोहल में जो है सिंगल बॉन्ड होता है और अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड हो जाता है। लास्ट में एल ऐड करना, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम लोग काउंट करते हैं। बोले क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं CH3। अच्छा इसको ना याद रखने के लिए कई बार कहते हैं अल्डिहाइड जो है ना चोर होता है, CHOR को जस्ट अपोजिट लिख दोगे तो जो है क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा। तो चोर से भी याद रख सकते हो कि जो है अल्डिहाइड है, ठीक है। सी एच थ्री
सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मिथेनल, मिथेनल हो जाएगा, मिथेनल। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ओके, अगर मेरे पास तीन कार्बन हो, प्रोपेनल। हाँ प्रोपेनल, तो क्या नाम हो जाएगा? सर आपने ऊपर वाला कंपाउंड गलत लिख दिया सर। कौन सा वाला? सर इसमें आपने दो हाइड्रोजन लगा लिए सर। टू थ्री फोर फाइव, अच्छा सॉरी। कार्बन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते, पास पेंटावेलेंट बॉन्ड नहीं शो कर सकते। अब से ये दो तीन एक चार, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को पहचानने के लिए आप कहिएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या अल्कोहल में होगा तो सिंगल बॉन्ड, एल्डिहाइड में होगा तो डबल बॉन्ड। अब हम लोग जो है नॉमिनक्लेचर करते एक एक करके जो है पढ़ते चले जाते हैं। हमने कहा था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन को जरूर काउंट करना। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो सीधे यहाँ से काउंट करते नहीं। वन टू थ्री, इसका नाम क्या हो जाएगा? टू टू मिथाइल, मिथाइल वन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल जाएगा। ठीक है, नल वो पानी वाला नहीं है, ठीक है, ये एल्डिहाइड वाला है। ओके, अब हमारे सामने इसकी जो नंबरिंग होगी किधर साइड से होगी? टर्मिनल वाले को काउंट करना। अच्छा, कोई एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर इस डबल बॉन्ड के लिए इन क्यों नहीं लिखे? इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हम डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसा, हाँ थ्री साइक्लो एंड थ्री साइक्लो प्रोपाइल थ्री इन वन वन पेंटेनॉल। हाँ वेरी गुड, पेंट थ्री इन और इनाल भी कह सकते क्योंकि वन ही पोजीशन पे, आप चाहो तो वन भी लिख सकते। सर पहले थ्री साइक्लो प्रोपाइल नहीं आएगा सर? अच्छा छोड़ गया ना, प्रोपाइल साइक्लो प्रो थ्री साइक्लोप्रोपाइल पेंट थ्री इनाल हो जाएगा। बोले क्लियर है? क्लियर है सर। ओके यस सर। अब इसका नाम बताइए क्या होगा? इथाइल डाई इथाइल इथ। अब देखिए दो कार्बन है, वन टू एन वन टू डाइल, वेरी गुड, इथ, ठीक है, एन क्योंकि डबल बॉन्ड था ही नहीं, और किस किस पोजीशन पे है? वन कोमा टू डाई अल हो जाएगा, ए एल, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है इसका नाम लिखेंगे। ओके, इसकी नंबरिंग देखिए वन टू थ्री फोर। अब जो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिथाइल आएगा कि ब्यूटाइल आएगा? तो पहले ब्यूटाइल आएगा, तो टू साइक्लोब्यूटाइल टू मिथाइल, हाँ टू मिथाइल, टू मिथाइल वन ब्यूट 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 ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका नाम आएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, नीट ने कई बार पूछा है, तो इसलिए इसको एम्फसाइज करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए हुआ यूं कि इस कार्बन पे अगर मैं ऐसा चलता, क्योंकि हमने कहा था कि एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं,
तो 3, 2, 4, 5 ऐसा लिखते हैं। अब ये इस एल्डिहाइड का हमने नाम लिखा क्या? आप खुद सोचिए कि इस एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दिया क्या? नो सर। जब तीनों सेम टाइप के डॉक्टर हों, दो डॉक्टर को ऑफिस में बुला के खिलाओगे और एक को जो है बाहर में चेयर पे दोगे, ये कहाँ का नियम हो जाएगा? तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो हाँ, अगर जब मान लो कि ऑपरेशन वाला है तो दो चार ऑपरेशन फेल कर देगा, ठीक है। अगर जब मान लो आंख का, तो वो अंधा करके छोड़ देगा, कहेगा पहले थोड़ा थोड़ा दिखता तो कहेगा पूरे नहीं दिखेगा, इस तरह से जो है वो कर देगा। तो इसीलिए तो जो नॉमिनिक्लेचर का जो रूल था, उन्होंने कहा कि जब ये तीनों सेम है तो इनको ना स्पेशल तरीके से लिखना चाहिए। अगर हम उस तरीके से चलते तो सिर्फ दो ही कार्बन का हम काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि दो एल्डिहाइड की तो प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक को तो हम दे ही नहीं रहे, एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं यूज करके उसको सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं। तो इस चीज के लेके जो है उनको बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, जब तीनों की तीनों सेम है तो इनको एक अलग तरीके से लिखते हैं। कहा कि तीन कार्बन है तो इसको लिखिएगा प्रोपेन, और किस किस पोजीशन पे है, 1, 2, 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड, यानी कि इस एल्डिहाइड के आगे कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बन एल्डिहाइड कह देते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ जी, बोलिए। नो सर। नो सर। अभिषेक, कुछ पूछना है? सर, नीचे वाले का आंसर, अगले का आंसर, आंसर। अच्छा, अच्छा बताइए, मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, अभिनव बताइए क्या होगा इसका, आकाश बताइए, अक्षरा बताइए, अंशिका, दिव्यांशु, हर्षिता, हिम्मत सिंह क्यों नहीं आप बता रहे हो, कहाँ चले गया, कहाँ चले गए? रोहित कालिया, संतोष, स्मृति, बताइए क्या आंसर होगा? वेरी गुड। चलिए हिम्मत सिंह, आप बताइए क्या होगा? 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बो एल्डिहाइड। ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बन एल्डिहाइड। ठीक है, अब हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने कहा कि भाई चारों तुम लोग जो है बाहर ही बैठो, दो को हम अंदर नहीं बैठाएंगे, चारों के चारों जो है बाहर बैठो, क्योंकि अगर हम ऐसा चलते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके लिए हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं था, इसीलिए हमने इस प्रकार से इसकी जो है नंबरिंग की। ओके, हमने कहा कि देखिए हुआ यू कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैं इसका नॉमिनिक्लेचर लिखता तो कैसे लिखता, यहां शुरू करता 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला एल्डिहाइड छूट जाता। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो एल्डिहाइड को एज अ फंक्शनल ग्रुप माने और एक को ना माने, जब तीनों बराबर है, तीनों के पास सेम चीजें हैं, सेम क्वालिटी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर काम कीजिए, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बन एल्डिहाइड जो है लिख दीजिए। सिमिलरली इन्होंने कहा कि भाई चार कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1, 2, 3 टेट्रा कार्बन एल्डिहाइड जो है नाम लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, ये इसके साथ है, ब्यूट वन कोमा डाई अल। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों कार्बन जो है एल्डिहाइड है दोनों को प्रायोरिटी मिल रही है, दोनों को फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट एन 1, 4 डाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किधर से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा चल लेते हैं। तो
तो CHO होगा काउंट? नहीं, अब यहाँ पे तीन तीन आ गया। अब आपके सामने समस्या कि सर अभी तो आप चीख चीख के कह रहे थे कि तीनों फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के साथ आया है। एक ऑफिस, अब मान लो ऐसे समझिए कि आपको जो है कि मैं अगर जो कहूं कि आप लोगों का जो है एक जो है बूट कैंप लगेगा समझाने के लिए, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं समझिएगा, बस मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों का बूट कैंप होगा। अब आप लोग जो आए हैं अवंती के थ्रू, अब मान लो कि थर्ड बंदा जो है किसी और के थ्रू, मान लो कि सपोज करो कि कोई वहां पे स्टाफ है जो वहां पे, मतलब मान लो सपोज करो हिमाचल में, अब वो अपने थ्रू बुलाएगा तो क्या उस स्टूडेंट की भी उतनी वो होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको क्या है, वो मेन के थ्रू नहीं आया, वो किसके थ्रू आया, साइड के थ्रू आया। उनको सुविधाएं मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी या जितनी प्रायोरिटी आपको मिलेगी। समझ में आया? पर सर एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप लोग जो है पूछिएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। okay. अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि मैंने कहा कि भाई आप लोग जितने बच्चे हैं 23, इन सभी को मैंने बोट कैंप के लिए बुलाया, ठीक है, और मैंने कहा कि बिलासपुर में जो है, बिलासपुर के पर्टिकुलर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने जो है क्या कराया कि बूट कैंप को ऑर्गेनाइज कराया। अब जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक स्टाफ है, मान लो सत्येंद्र है, और सत्येंद्र ने कहा कि अपने भाई को, किसी मान लो एक्स वाई को वो पढ़ाना चाहता है, आप सभी मेन ब्रांच के थ्रू आए, क्या इसकी स्टाफ है, स्टाफ का कोई है तो उसकी उतनी वैल्यू तो नहीं होगी, इसीलिए CH2CHO है, तो इसको हम लोग कह देते हैं फॉर्माइल कह देते हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि ये मतलब क्या स्टाफ है, स्टाफ का बच्चा है, इस टाइप से वहां कह देते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे, फॉर्माइल कह देंगे। हाँ जी, पहले वरुण आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे सर? मतलब CHO को सर, मतलब ये अगर सर जैसे अगर इसमें सर 3 दिए हैं सर, अगर उसमें अगले क्वेश्चन में सर जैसे 4 या सर 2 दे होंगे तो सर कैसे करेंगे इसको, ये समझ नहीं आ रहा सर कैसे ये वाला सर। नहीं सर, ये तो सर क्लियर है सर, इसमें सर सर इसमें ये सर आपने ना मतलब वैसे दिया है ना कॉम्प्लेक्स करके सर, थोड़ी तो सर तक समझ नहीं आ रहा है ना कैसे करना है। तो ये तो नंबरिंग की है तो सही, 1 2 3 ये तो आपका मेन हो गया, ठीक है। अब क्या है, राइट साइड से 4 फॉर्माइल सर, राइट साइड से, अच्छा सॉरी 1 2 3 इधर नजदीक पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 पड़ रहा है, सही कह रहे हैं, इधर साइड से नजदीक पड़ रहा है नंबर क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 6 फॉर्माइल, और कितने कार्बन है, हेक्स और N1,6 डाई अल जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है सर। सर ओके, हाँ सर, इसका 3 फॉर्माइल नहीं आएगा सर? 3 फॉर्माइल आएगा सर, 4 पे है ना आपने कहा, अच्छा अच्छा 3 फॉर्माइल, ठीक है ओके। अब देखिए इसको, अगर जो एक ही कार्बन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बल अल्डिहाइड कर देंगे। अभी आपको मैंने बताया भी था कि कार्बल अल्डिहाइड कर देंगे, ठीक है ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-cyclopentyl कार्बल अल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 2, एक चीज ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है अगर चैन ज्यादा भी हो तो आपको इग्नोर कर देना, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 हो गया, तो यानी कि 2 पे अब कौन सर यहाँ से काउंट क्यों नहीं किया 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को जो है प्रायोरिटी लोएस्ट मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2-cyclopentyl और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है। सिर्फ एक कार्बन के लिए हम लोग जो है यूज करेंगे कार्बन अल्डिहाइड, ठीक है
ओके तो इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपाइल हाँ, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोपेनल और क्या हो जाएगा, 1 पे है प्रोपेनल हो जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे वरना भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इन सभी कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में से आगे की बात करेंगे। यस सर।